हेलो फ्रेंड्स, द किचन क्वीन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाते हैं पोटैटो चिली नगेट्स। तो इसके लिए मुझे चाहिए आलू, जो कि मैंने बॉईल करके और छील कर रखे हैं, ब्रेड क्रम्स, ये बॉईल कॉर्न हैं, ये कॉर्नफ्लोर, जिंजर, चिली फ्लेक्स, चीज, गार्लिक, साल्ट और ये सीजनिंग है, और तलने के लिए तेल। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आलू को हम मैश करेंगे। आलू को हम अच्छी तरह से मैश करेंगे, बिल्कुल भी आलू के टुकड़े उसमें नहीं रहने चाहिए। कॉर्न भी इसमें डाल लिए हैं, अब हम इसको भी हल्का सा मैश कर लेंगे, और यदि आप चाहें तो इसको हल्का सा पीस भी सकते हैं। अब इसमें हम चीज भी ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म में भी चीज डाल सकते हैं। अब जिंजर भी इसमें हम फोकस कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक। गार्लिक थोड़े ज्यादा मात्रा में ही डालना चाहिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कॉर्नफ्लोर, ये 250 ग्राम आलू थे तो इसमें ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर में डाल रही हूँ। नमक स्वादानुसार। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स आपके पास नहीं है तो आप इसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो हरी मिर्च को भी पीस कर डाल सकते हैं। ये सीजनिंग है, इसको भी हम थोड़ा सा डालेंगे। अगर आपके पास सीजनिंग नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च डाल सकते हैं। सारी चीजों को आपस में मिक्स करके इसके नगेट्स बनाएंगे। बहुत स्वादिष्ट नाश्ता है, बच्चों के लिए बनाएं या उनके लिए। ये सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके नगेट्स बनाते हैं। इसको इस तरह से हम चौकोर सिलेंडर जैसा शेप देंगे और ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पहले से भी बना के रख सकते हैं, या अगर शाम को खाना है तो इस नाश्ते को आप सुबह तैयार कर सकते हैं।
अब ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें ऑयल भी गरम करने के लिए डाला है। अब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस को मैंने थोड़ा सिम कर दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब नगेट्स सिक गए हैं और अब मैं इन्हें कढ़ाई से निकाल लूंगी और गैस को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, अब नगेट्स बनकर तैयार हो गए हैं और आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपके नगेट्स कैसे बने हैं। आप कमेंट करने में किसी तरह की कंजूसी ना किया करें। मेरे चैनल पर जरूर कमेंट करें, मेरे वीडियो देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।